बताइए क्वेश्चन नंबर कौन सा था अपनी योजना नंबर क्वेश्चन नंबर 52 था, 53 हो गया नहीं बा 53 में दे रखा है वेक्टर ए इज इक्वल टू टू आई प्लस ए माइनस टू के वेक्टर बी इज इक्वल टू आई प्लस जे ए डॉट सी इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी तो आपको मॉड ऑफ ए प्लस बी क्रॉस सी की वैल्यू बतानी है, मॉड ऑफ ए प्लस बी क्रॉस सी बताना है। अच्छा ये अभी तो पता है सीधा सीधा मतलब सी वेक्टर निकालने का हम प्रैक्टिकल में पड़ेगी। सॉरी मैम किस पे कर रहे हैं हम लोग, सी वेक्टर निकालने का करते हैं। सवाल क्या है, लेट वेक्टर सी को वेक्टर लिया हो सी वन आई सी टू जे प्लस सी थ्री स्केलर वैल्यू है ना, मतलब तो ऑप्शन जो प्रॉब्लम सेटिस्फाई करा देंगे है ना, स्केलर आंसर है तो प्रॉब्लम रिवर्सल सेटिस्फाई करा नहीं पाएंगे। ओके तो ए डॉट सी मॉड ऑफ सी के इक्वल दे रखा है, ए डॉट सी क्या आएगा अभी 2c1 प्लस c2 माइनस 2c3 इक्वल टू अंडर रूट c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा इसका स्क्वायर बोलेंगे तो मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट सी इक्वल टू 8 आ जाएगा है ना। अब स्क्वायर वैसे बैठो जनरली बोला है पता ही है डॉट वगैरह कैसे करते हैं क्रॉस कैसे करते हैं है ना। तो मॉड ऑफ सी स्क्वायर क्या है हमारे पास, मॉड ऑफ सी का स्क्वायर जो हम यही छोड़ देते हैं और मॉड ऑफ ए का स्क्वायर आपको पता चल जाएगा, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर आएगा 4 3 3 आ जाएगा 9 आ जाएगा, रूट थोड़ी हो रहा है ध्यान दिया होगा एकदम है ना, 2 टाइम मॉड ऑफ सी इक्वल टू 8 सर बहुत बड़ा होने वाला है बड़ी हेल्प हो सकती है फाइंडिंग हमारी, एक क्रॉस भी निकाल लेते हैं तो बड़ी है। तो ये क्रॉस भी कितना आया भाई आई जे के 2 1 माइनस 2 और 1 1 जीरो आएगा 0 प्लस 2 और 0 फिर से 0 प्लस 2 सही चल रहा है, तो ये आ जाएगा 2i माइनस 2j और प्लस के आ जाएंगे है ना, तो इसका मॉड भी 3 आ गया यानी कि यहां आगे 3 * 1 cos 30 की वैल्यू क्या आएगी 3 / 2 a क्रॉस b डॉट c कितना आ गया 3 * 3 / 2 आ गया ठीक है बोलो ठीक है। अब इसके बाद क्या करें, अब अपने को निकालना है वेक्टर c। अच्छा तो a क्रॉस b के लिए बताया हमने को इसी c से डॉट पर करेंगे तो क्या आएगा वो जो ध्यान कर लिया हमने तो ये वाली वैल्यू आ गई हमारी इक्वल टू ना इससे आ गई। अच्छा अच्छा यहाँ से आया था सीवर स्क्वायर, ये तो बाहर आ गया ना, ये तो बाहर आ गया मॉड ऑफ सी ए डॉट सी और ए क्रॉस बी की ए क्रॉस बी की डॉट करेंगे सी से तो क्या आएगा 2c1 माइनस 2c2 प्लस c3 इज इक्वल टू 3 ये इक्वेशन ही आ गई सेकंड है ना। एक और चाहिए सी वन सी टू सी थ्री में वो कहां से आएगी बोलो भाई, एक इक्वेशन सी वन सी टू सी थ्री में और चाहिए वो कहां से लाओगे चलिए। अच्छा बोलो अक्षर क्या वो कनेक्टिविटी नहीं आ रही। यस सर अक्षर से पूछ रहा अक्षर
एक ही क्वेश्चन और चाहिए आपको, देखो क्वेश्चन को छूटता छूट तो नहीं रही कोई बात। एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड सी, ये सब भी सही कराया है तुमने। देखना बेटा जरा क्या छूट रहा है। 55 a dot b less than 0, acute angle कब आएगा? Second quadrant में जब आएगा, सोचने का लगेगा कोई और ऑप्शन ही ना। और आगे fifty six में d equal to दे रखा lambda into this, mu into this plus b into this, box of abc दे रखा 1/8, तो लैम्डा प्लस म्यू प्लस पी की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा इन दो वेक्टर का जब सेम डॉट पर ऐड होगा तो वैल्यू मतलब जीरो आ जाती है बॉक्स में, है ना। तो यानी कि एक बार ए से डॉट पर ऐड करो तो एक बार बी से करो तो एक बार सी से करो, तो ये इसके ऑप्शन का दे रखा है। ऑप्शन आ जा भाई। अच्छा बटन की अभी यस इसके बाद 56 में जो दे रखा है क्वेश्चन, ये मेरे वहां पर खाली जो निकलते हैं वो टीचर से यूज कर देते हैं। मेरे प्री क्लास में कोई नहीं आ रहा है, सब आते हैं मतलब अपने भरे हुए छूट खाली ले आते हैं मेरे खाली। पीछे का रिमूव का भी था बैक रिवर्स जीरो में चलते ही रहना है आप कैसे कह सकते हो उससे क्या मतलब, हमने बता कौन सी चीज का यूज किया था दे दिया हमने क्या पढ़ रहा है कंफ्यूजन दे दिया बहुत सी बातें पढ़ी दे दी जाती है क्वेश्चन ठीक है। मैंने आंसर लाने के लिए क्वेश्चन चेंज भी कराया तो देख सकते हो यहाँ पे ठीक है ये समझ रहे हो कोई गलत समझ रहे हो। डी डॉट ए एक बार ए से डॉट पर करेंगे बॉक्स ऑफ क्या आएगा ये ए ए बी यानी कि जीरो ये क्या आ जाएगा बॉक्स ऑफ ए बी सी और ये जीरो हो जाएगा बोलो ऐसी वाला जी डी डॉट बी करेंगे पहला वाला जीरो हो जाएगा जीरो बॉक्स ऑफ एबीसी बन गया ये डे रखा है ना जीरो केस में ये तो अब जब तीनों को ऐड करेंगे तो डी डॉट ए प्लस डी डॉट बी प्लस डी डॉट सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा म्यू प्लस लैम्डा प्लस म्यू प्लस जो गामा जो भी है इनटू 1/8 बोलो तो इसको 8 बदल नहीं आएंगे तो आपका ऑप्शन हो गया कौन सा फोर्थ वाला ऑप्शन हो गया और आंसर की हमारी एक नंबर आके चली रही आप देखो ना एक नंबर आगे चल रही आंसर की सही है वो 10 क्वेश्चन 5 में सीख ना
वही जब नगर थी गड़ी लिखने में टाइम करने लगा। इसके बाद कौन सा लगाना है? हाँ, इसके बाद कौन सा कराना है? 57 हो गया, 58 हो गया, 59 अभी नहीं करना है। 59 और ये 66, ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, वो लास्ट है ना, दोनों एक ही लॉजिक पे है। एक्चुअल में पहले 66 होगा, फिर क्या होगा 59 होगा, सही है ना? करा बाद में करा। 60 हो गया, 61 में क्या होगा? ABC तीन वेक्टर दे रखे हैं, A क्रॉस B C दे रखा है, B क्रॉस C A दे रखा है, तो ABC आप ऑर्थोगोनल इन पेयर, और तो A क्रॉस B C का मतलब क्या होगा कि C एक ऐसा वेक्टर है जो A और के दोनों परपेंडिकुलर है, और B क्रॉस C A का मतलब क्या हो गया कि A वेक्टर दोनों का परपेंडिकुलर है, यानी जब भी संभव हो जाए सारे आपस में दूसरे के क्या हो, और परपेंडिकुलर दूसरा नाम क्या है? ऑर्थोगोनल। तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो गया। देखो क्या दिया, ABC और ऑर्थोगोनल इन पेयर। अरे भाई जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो ये कब संभव होगा? सी ऐसा वेक्टर है ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, सी डॉट ए जीरो सी डॉट बी जीरो, ए ऐसा वेक्टर है बी और सी के परपेंडिकुलर है ए डॉट बी जीरो ए डॉट सी जीरो, तो पहले मैंने सी डॉट ए बोला दोबारा ए डॉट सी आना पड़ते हैं, इन वेक्टर्स क्या होगा पेयर वाइज एक दूसरे के परपेंडिकुलर, सही है? अच्छा और आगे बोलो भाई, चलो पहले एक्सरसाइज में शुरू में। सर इसका ए ऑप्शन करेक्ट है? हाँ सर, उसमें सेकंड दे रखा है। आगे चल रहा है ये, एक एक क्वेश्चन आगे चल रहा है ये सर, आगे का ही देखा है, ए ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है, बात पीछे सही करो, सही है? सिस्टम पहले कराया था, दोनों वेक्टर की मॉड सेम होंगे ना, बट वो रोटेट ही तो कर रहा है वेक्टर को, लेंथ भी चेंज कर रहा है वेक्टर की, किसी भी एंगल पर वेक्टर को रोटेट कर रहा है, कोई वेक्टर है हमारे पास यहाँ पर, ये बैठा हमने किसी एंगल उठा के रोटेट करके इसको यहाँ कर दिया, तुम्हारा क्या बड़ा पॉइंट उसमें कैसे क्या रहेगा, सेम रहेगा बस, क्या चेंज होंगे उसके कोऑर्डिनेट, ठीक है? तो पहले किसी वेक्टर के कोऑर्डिनेट क्या है 2p and 1, और दूसरे केस में कोऑर्डिनेट क्या होगा p+1 और 1, ये मॉड तो दोनों क्या होंगे सेम होंगे, क्योंकि लेंथ तो क्या होगी दोनों की सेम होंगी, बट अगर आएगी यहाँ पे p की वैल्यू, ये कराया था मैंने शुरू में एक्सरसाइज, पहले पूछा था। हाँ, 63 ए एंड बी आर पैरेलल है ना, वैल्यू ऑफ, ये तो मेहनत करके कल निकल लगाना ही पड़ेगा 63 को, हाँ वो इसलिए तो मेहनत तो कोई शॉर्ट है नहीं, शायद मेरे पास कुछ तो करके देखता तो बन जाएगा। A क्रॉस B 0 दे रखा है, A क्रॉस B C क्रॉस B प्लस A क्रॉस C B क्रॉस B इज इक्वल इफ A एंड B आर पैरेलल एट द वैल्यू ऑफ, ओहो चलो हैं तो जीरो हो गया, कर सकते हैं कर सकते है? क्या आंसर पूछे डी डी बाहर आ रहा था हमने और एम का यहाँ डी आ रही है ना, यहाँ क्या डी आ रहा है, आंसर आ रहा है डी की टर्म, देखोगे क्या कर सकते हैं, है कोई ऑप्शन है ही नहीं अभी तक, ऐसा थोड़ा माइनस में आ रही है, बिल्कुल ही कहानी पड़ी है,
अब एक काम और करके देखते हैं, हम जो शुरुआत में जीरो बोलते हैं, शुरुआत में जीरो नहीं बोलते, और 1700 को क्या बन रहे हो, जैसे मान लो पहले n नाम दे दिया मन में आपने, क्या आएगा n डॉट d into c minus n डॉट c into b है into b, ऐसे करते हैं विद n है यस सर, n डॉट c n डॉट d into c और n डॉट c into d आएगा यार, तो भी बोल देते हैं अरे a डॉट b डॉट c क्या होता है, a डॉट c into b minus a डॉट b into c, जैसे हमने n बोला है अपने मन में, the n dot c n dot d पास वाला जैसे ना, यहाँ n dot d into c minus n dot c into d, बस ये ना तो ऐसी गलती नहीं करी भाई, पक्का कोई 10 मिनट बाद तो बोले सर हो गया तो सॉरी है उनको, बहुत बहुत मारेगा भाई, हमारे गुस्सा देगा पेशेंट को, तो हाँ तो n क्या है, n क्या था a cross b, तो क्या बन गया ये a cross b dot d, a b d into c और a b c into d, अब क्या बैठा हुआ मामला जरा देखो, यहाँ शायद ये और ये देखो, अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज करूं तो इतना सा जाएगा कट जाएगा, क्या कहते हो, नहीं कहते हो जाएगा था कुछ नहीं, अब क्या मिला a b d into c plus a c d into b, अब क्या फायदा हो, दोनों में d वहां लाना है, तो वही और इसका यूज क्या करा हमने अभी तक, तो यूज नहीं करा, किसे कह सकते a डॉट b क्रॉस d, इधर से a डॉट d, b बार ऐसी या c बार ऐसी, अब हम डॉटर क्रॉस इंटरचेंज करें, कुछ क्वेश्चन में हाईएस्ट जो कर लिया जाता है a क्रॉस b डॉट d हो जाएगा, ये बात तो वही है बॉक्स ऑफ da भी मिल जाए, ये समझो बात, अब ऐसे कह देंगे बॉक्स ऑफ बताओ d a d, अब एक बार आगे घुमाएंगे क्या बन जाएगा, b d a फिर आगे घुमाओगे क्या बन जाएगा, a b d d आ जाएगा, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, तो उस केस में ये जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि ये तो अभी जीरो दे रखा है, यहां से क्या बनेगा इंटरचेंज करके a क्रॉस b डॉट d है ना, ऐसे बनेगा, यहां क्या करा मैंने, यहां के क्यों की करी हूं सर, a क्रॉस b ले, मतलब ब्रैकेट चेंज करें, यहां भी ब्रैकेट चेंज करूंगा है ना, तो क्या होगा ये बॉक्स ऑफ dac रहेगा, जो आंसर d बाहर आएगा, तब भी आंसर क्या कह रहा है, a क्रॉस b c क्रॉस d प्लस a क्रॉस c b क्रॉस d c a b c, आंसर दिया गया है इसका, तो सही के साथ से तो दोनों भी आंसर हो गया ना, बस तो यार इनको टाइम पर आपका आंसर बस ये आंसर आ गया, सही है, चलो करो नोट करो,
64 में दे रखा है I क्रॉस R क्रॉस I प्लस J क्रॉस R क्रॉस J प्लस K क्रॉस R क्रॉस K इज इक्वल टू A क्रॉस B देन वेक्टर R बनता है हो जाना चाहिए इसमें तो सिंपल इसकी क्या है आइडेंटिटी आई डॉट आई इंटू आर माइनस आई डॉट आर इंटू आई आई डॉट आई होता है लिखा नहीं आप जे डॉट जे इंटू आर माइनस जे डॉट आर इंटू जे प्लस के डॉट के इंटू आर माइनस के डॉट आर इंटू के इज इक्वल टू जे डॉट बी आर 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 कितना हो गया हो गया हमारे उन्होंने वेक्टर आर को नाम दिया तो इसलिए आर वन आई आर टू जी और आर सी के करके नाम दिया तो जब आई डॉट आर से सबको तो क्या आएगा आर वन आएगा यहाँ भी क्या आएगा आर टू आएगा यहाँ भी क्या आएगा आर सी आएगा एक और पी एस सी रहेगा तो कुछ कर ही सकते एक मामले में अब इन तीनों माइनस है कॉमन लो तो फिर से क्या बन जाएगा ये आर वेक्टर बन जाएगा तो थ्री आर माइनस आर कितना हो जाएगा टू आर इक्वल टू एक और पी हो जाएगा तो वेक्टर आर की वैल्यू कितनी होगी एक क्रॉस बी अपॉन टू बस आ गया कौन सा ऑप्शन है देखो बस ठीक है नहीं सेवन दे रखा है वेक्टर ए दिया है पी आई प्लस पी जे प्लस फोर के वेक्टर बी दिया है अंडर रूट क्यू आई प्लस फोर के देन द लेंथ ऑफ द टू वेक्टर्स इज इक्वल टू लेंथ क्या है इसमें पहले वाले का मॉड क्या है अंडर रूट प्लस 25 दूसरे वाले का मॉड क्या है अंडर रूट क्यू प्लस 16 तो यानी कि दोनों के मॉड इक्वल है ये कहना चाह रहा है इसका मतलब ये तो ये पी स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू क्यू प्लस 16 आ गया ये कितने पेयर ऐसे हो जाएंगे जहां पी और क्यू की वैल्यू की आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू इक्वल टू माइनस का नहीं तो है एक पेयर होगा ऐसा आई थिंक इनफाइनाइट पेयर होगा पी और क्यू जीरो से बड़े हैं ना देखो बस पेयर ही नहीं बन गया कोई ऐसा नंबर ही नहीं बनता जरा लग के देखो जवाब मारो कोई कोई कौन सा ऐसा पेयर बन रहा है जब पी और क्यू जीरो किस तरह का आंसर आ रहा है अच्छा कितने पेयर बन रहे सर एक तो 09 होंगे पी की वैल्यू 0 2 की वैल्यू 9 सर पी की वैल्यू 1 और 2 की 10 हां तो फट बन जाएंगे वैसे तो तो इनफाइनाइट पेयर आंसर हो गया सीधे से तो बात का फट ऑप्शन आंसर हो गया इनफाइनाइट पेयर जो पी क्यू और के बराबर है इनफाइनाइट पेयर जो पी एंड क्यू आंसर और बताओ उसके बाद बेटा कल का क्वेश्चन एनसीईआरटी में दोबारा कराया था मतलब सॉरी एबीडी में कराया था द वेक्टर्स पी इक्वल टू टू आई प्लस लॉग एक्स इनटू बेस थ्री इनटू जे प्लस ए इनटू के माइनस थ्री आई प्लस ए लॉग एक्स एंड बेस इनटू ए लॉग एक्स एंड बेस इनटू ए इंक्लूडेड एक्यूट एंगल तो एक्यूट एंगल ए डॉट में बीटा था जीरो होना चाहिए बी डॉट टू और क्या करना है बस एक्यूट में माइनस सिक्स
आगे 71 बंदे छोड़ दे एक क्वेश्चन वाला करना है नहीं जल्दी पर एक क्वेश्चन किया तो 71 हां 71 छोड़ सकते हैं बैटरी क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है और कोई 70 का यूज आ रहा है तो वो भी छोड़ सकते हैं प्रारंभ चेस पहला वाला होगा 71 नहीं 70 का ए बी सी आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 नॉर्मल यानी ओ ए ओ बी और ओ सी दे रखे हैं ना The shortest distance from A to BC. The shortest distance from A to BC जो होगी, अगर तीन वेक्टर मिलकर ट्रायंगल तो बनाएंगे हमेशा, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर डिस्टेंस लगाएंगे लगाएंगे इसमें देखें ABC में तो जो ट्रायंगल का एरिया होता है अगर आपको शायद तीन ट्रायंगल रिलेशन होता है कैसे जा रहा है चलो एरिया प्राइम और अभी तो अभी वक्त कमांड टू होता है और वैसे क्या होगा इसका ये हाफ वे बीसी और हाइट अगर कोई निकालेंगे ये पी डिस्टेंस पता ही दोगे तो पहले डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगी तो पी इज इक्वल कितना हो गया मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन बी सी बीसी वेक्टर कितना होगा सी माइनस क्या बी बस ये आंसर हो गया देखो कौन सा ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज में चला गया बात करता हूं तो क्या दिया हो नंबर दीजिए दिया हो सही है एरिया निकालना पड़ेगा क्वाड्रेटर का और ट्रायंगल का ठीक तो वो एरिया निकाल के रख दिया जाएगा उठा के नंबर दे दिया रखा है इसमें स्टडी बनानी पड़ेगी थोड़ा थोड़े डायग्राम भी लिखो इसमें 72 में वेक्टर ओ ए रखा है ए वेक्टर ओ बी दे रखा है टेन ए प्लस टू वेक्टर बी और वेक्टर ओ सी दे रखा है कितना भाई पी वेक्टर फिटिंग ओवर होने वाली दोनों ज्वाइन कर लेना दो तीन मिनट बाद पी डिनोट द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओएबीसी ए सी आर नॉन कॉलिनियर एक लाइन में नहीं